हाय फ्रेंड्स, आई एम सुजीत कुमार एंड वेलकम बैक इन माय चैनल फाल्कन स्टडीज। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, जिसमें आपको बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर में जो टॉपिक जो मेंशन किया गया था स्पेशली, मैं उसको लेकर क्या है आपके साथ मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जिसमें उर्जित पटेल कमेटी जो है वो स्पेशली क्या है ना सिलेबस में क्या है ना मेंशन है। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक जो इसी वीडियो में आपको मिलेगा, इनके सिन कमेटी जो रिकमेंडेशन जो है, इनके सिन कमेटी का जो रिकमेंडेशन है, तो दो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो स्पेशली क्या है ना इसको मेंशन किया गया है, तो इससे सवाल आने का बहुत बहुत ज्यादा चांस होता है। तो हम दोस्तों क्या है वीडियो को सबसे पहले क्या है ना स्टार्ट करते हैं, उर्जित पटेल कमेटी के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए क्या हुआ कि जो एक एक्सपर्ट कमेटी के हमने अपॉइंट किया गया था, एक्सपर्ट कमेटी किस लिए अपॉइंट किया गया था, एग्जामिन करने के लिए जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी जो है आरबीआई के द्वारा जो फ्रेमवर्क होती है करंट मॉनेटरी पॉलिसी, उसको एग्जामिन करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का क्या है ना गठन किया गया था। और इस एक्सपर्ट कमेटी ने सजेस्ट किया था, एक तरीके से अपना व्यू दिया था कि जो इन्फ्लेशन का जो मेजरमेंट जो है वो आपको न्यू सीपीआई, कहने का मतलब है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे आपको करना चाहिए। आपको हम बता दें कि जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। तो इन्फ्लेशन का मेजरमेंट दो तरीके से होता है, एक WPI और एक हमारा CPI। तो WPI क्या होता है, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, और CPI होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक होल, कहने का मतलब एक होल इकोनॉमी पे क्या है ये वर्क करता है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, एक इंडिविजुअल पे वर्क करता है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो बिल्कुल सटीक क्या है ना ये जानकारी देती है, जो कि एक तरीके से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। तो वही एक कमिटी का रिकमेंड था कि जो WPI के जगह आप क्या कीजिए, CPI को क्या है यहाँ पे इंट्रोड्यूस कीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एक्सपर्ट जो एक कमिटी थी जिसका हेड जो थे वो उर्जित पटेल थे, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इस कमिटी के जो हेड जो थे वो उर्जित पटेल थे, जो कि डिप्टी गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या है ना डिप्टी गवर्नर थे। हम आपको बता दें कि RBI का जो गठन जो हुआ है 1935 में RBI को इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1934 जो एक्ट जो था, एक तरीके से RBI 1934 एक्ट के तहत 1935 में RBI को बनाया गया था। और आपको याद है, आपको बता दें कि हमारा जो पिछला वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि RBI को किसके रिकमेंडेशन से इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो याद रखिएगा हिल्टर यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से ही इसको बनाया गया था। एक व्यूअर ने आंसर भी क्या है इसका दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और हिल्टर यंग कमीशन से क्या है RBI को क्या है गठित किया गया था, और ये 1935 में हुआ 1934 एक्ट के अकॉर्डिंग, और इसका नेशनलाइजेशन 1949 में क्या 1949 में क्या है इसका नेशनलाइजेशन किया गया था। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो उर्जित जो पटेल जो थे वो डिप्टी गवर्नर थे, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, वही इसके हेड थे। और आपको बता दें कि जो RBI जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें 20 मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, 20 मेंबर होते हैं, जिसमें एक तो आपके गवर्नर होते हैं, बाकी क्या होते हैं, चार जो होते हैं वो डिप्टी गवर्नर होते हैं। एक गवर्नर होते हैं जो मेन होते हैं, चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक फाइनेंस से आते हैं, 10 और आते हैं, चार ऐसे करके 1 4 1, उसके बाद कितना होता है हमारा 10, और उसके बाद 4, इस तरीके से एक गवर्नर, चार डिप्टी गवर्नर, एक फाइनेंस से आते हैं, 10 और मेंबर होते हैं, 4, मतलब इस तरीके का कॉम्बिनेशन रहता है, और टोटल मिलाकर 20 मेंबर RBI में होते हैं। और इस कमिटी ने रिकमेंड दिया कि जो इन्फ्लेशन होना चाहिए, मतलब महंगाई जो है वो ऐसा भी नहीं कि एकदम महंगाई जीरो हो जाए, कहने का मतलब है कि जब मार्केट में अगर महंगाई होगा ही नहीं, कहने का मतलब है कि सभी सामान क्या है ना बहुत ही क्या है ना सस्ते दामों पर अगर मिलेगी, तो उससे जो हमारा मार्केट का जो एक तरीके से जो बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा, और इकोनॉमी जो है हमारा कंट्री का वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो एक नॉमिनल क्या होना चाहिए कि महंगाई भी होना जरूरी है, यानी नॉमिनल इन्फ्लेशन भी होना जरूरी है। तो इस कमिटी ने रिकमेंड किया था कि जो इन्फ्लेशन का जो है वो 4 ± 2 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम जो इन्फ्लेशन जो होना चाहिए वो 6% होना चाहिए, और मिनिमम जो इन्फ्लेशन होना चाहिए वो 2% होना चाहिए। दैट मीन्स 6% से ज़्यादा नहीं और 2% से हमारा कम नहीं। अगर 6 और 2 के बीच अगर आ रहा है तो कहने का मतलब है कि कंट्री का इकोनॉमी जो है ना वो सही है, और वो सही
डायरेक्शन में क्या है वर्क कर रही है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने क्या है ना अडॉप्ट किया था, न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को क्या है इसने अडॉप्ट किया, इसी का जो रिकमेंडेशन था न्यू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इन्होंने अडॉप्ट किया किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए आरबीआई ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट किया। आपको बता दें कि दो तरीके का होता है, एक हमारा मॉनेटरी पॉलिसी होता है, एक हमारा फिजिकल पॉलिसी होता था। याद रखिएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है वो आपको गवर्न किया जाता है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी किस कौन बनाता है, आरबीआई जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है और फिजिकल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ क्या है इंडिया बनाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंज्यूमर प्राइस को क्या है ना इन्होंने अडॉप्ट किया था। उसके बाद बात करते हैं कि जो कमिटी जो है वो आपको फिक्स इन्फ्लेशन को फिक्स किया गया था 4% प्लस माइनस वही है हमारा। उसके बाद क्या इन्होंने रिकमेंड किया कि एक मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन जो है वो आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमीशन को क्या है एक तरीके से सौंपा गया था। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन जो होना चाहिए उसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एक गठित जो किया गया था उसको ये सौंपा गया था, जिसके जो हेड जो थे वो आरबीआई के जो गवर्नर थे वही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के हेड कर रहे थे और उन्हीं को मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड जो भी बातें थी वो क्या है सौंपा गया था। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट जो है ना ऑल्सो क्या है एक तरीके से उनका जरूरत है कि जो अपना आपका जो फिजिकल जो डेफिसिट है यानी कहने का मतलब है राजकोषीय जो घाटा जो है उसको आपको कम करके 3% तक आपको लेना है। कहाँ 2016 से 17 तक आपको क्या करना है 3% जो है आपको कम करके लेकर आना है। कहने का मतलब है जो कि इसको जो है एक तरीके से कंसिस्टेंट किस में है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट जो रूल्स 2013 जो है इसमें क्या है ना ये रूल जो है वो कंसिस्ट है। कहने का मतलब है बात यही है कि इस कमिटी का रिकमेंडेशन था, इस कमिटी ने बताया कि जो सरकार जो है ना उस अपना डेफिसिट को क्या है ना कम करे, अपने क्या है ना डेफिसिट को कम करे और ये कहाँ तक लेकर आए 3% तक क्या है ना लेकर आए, बस इतना ही है। अगर यहाँ पे बात करते हैं गवर्नमेंट का जो डेब्ट एंड क्या है कैश मैनेजमेंट जो है वो एक तरीके से कहने का मतलब है कि डेब्ट और कैश मैनेजमेंट जो है वो डेब्ट ऑफिस जो है गवर्नमेंट का जो है उसके द्वारा क्या है इसको लिया गया। यहाँ पे हम बात करते हैं कि सभी जो फिक्स्ड इनकम जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का वो भी क्या है ट्रीट किया जाना चाहिए एज पर द बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन एंड टीडीएस के लिए जो भी इनकम फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो क्या करना चाहिए ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सजेस्ट करती है कि सजेस्ट इसने की कि सेपरेट करने के लिए किसको सेपरेट करने के लिए ओपन मार्केट जो एक्टिविटी जो है फिजिकल ऑपरेशन से ओपन मार्केट एक्टिविटी को क्या करने के लिए सेपरेट करने के लिए सजेस्ट की। और इसके बाद इसने क्या है जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट जो फुल लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसको क्या करना है लिंक करना। देखिए लिक्विडिटी मतलब क्या होता है फ्लो ऑफ क्या है कैश, उसको क्या है एक तरीके से लिंक करना। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोल रहा है कि ओपन मार्केट ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर मैनेजिंग इनकम ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब क्या होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो आपको गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी है उसके इनकम को मैनेज करने के लिए वो यूज नहीं करना चाहिए, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन का यूज नहीं किया जाना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर जो मैनेजिंग जो इनकम है उसके लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक था एफआरपीएम रिव्यू कमिटी जो कि एनके सिंह कमिटी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि एफआरबीएम का हम पहले भी आपको बताएं फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, ये देखिए कितना है 2003 में क्या है ना ये आया था एफआरबीएम क्या है 2003 में इसको लाया गया था। और इसके बाद बताया गया है कि इसमें बहुत सारे क्या है ना कुछ फीचर थे जिसमें बताया गया था कि जो गवर्नमेंट जो है वो उसको एनुअली कहने का मतलब है कि 2003 वाला हम बता रहे हैं कि जो एनुअली है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि दो तरीके का हमारा क्या है ना डेफिसिट, जैसे एक रिवेन्यू डेफिसिट होता है तो रिवेन्यू डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहिए 0.5% तक और फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना चाहिए आपको 0.3% तक। ये आपको क्या है ना एनुअली क्या है गवर्नमेंट को रिवेन्यू डेफिसिट को 0.5% तक रिड्यूस करना चाहिए और फिजिकल डेफिसिट को 0.3% तक क्या है ना रिड्यूस करना चाहिए। अब उसके बाद एक बात करता है कि जो गवर्नमेंट का जो एक तरीके से जो रिवेन्यू डेफिसिट और जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% तक कितना है 3% क्या ना ऑफ क्या ना जीडीपी इतना तक इसको लेकर आना चाहिए, कारण जो भी डेफिसिट है
3% तक लेकर आना चाहिए। और इस एक्ट में और बताया गया था कि जो गवर्नमेंट जो है उसको प्रोहिबिटली मना किया गया है कि आप आरबीआई से क्या है ना पैसा उधार मत लीजिए, पैसा नहीं निकालिए, ये सब चीज क्या है एफआरबीएम में आपको बताया गया था। अब इसका कमेटी का मतलब क्या है, इनके सिन कमेटी का मतलब क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट रिव्यू जो कमेटी जो है ये फॉर्म किया गया था 2016 में, याद रखिएगा कब फॉर्म किया गया था 2016 में, जिसके चेयरमैनशिप जो थे ना वो इनके सिन क्या है ना इसके चेयरमैन थे। और इसको क्या है ना मैंडेट किया गया कि जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है उसको रिव्यू करने के लिए। That means कि जो FRBM Act जो enact हुआ था कब 2003 और क्या ना 2016 में, तो बहुत lot of क्या ना time हो गया था और एक लंबे समय से ये चल रहा था जिसको review करने का जरूरत था, क्योंकि इसमें कुछ क्या ना सुधार करने की जरूरत थी, इसलिए इस कमिटी का गठन किया गया था। अगर FRBM review कमिटी का बात करते हैं तो ये आपको formed हुआ था under the चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर जो सेक्रेटरी थे जिनका नाम था नंद किशोर सिंह, जिसको इनके सिंह के नाम से जानते हैं। तो नंद किशोर सिंह जो थे वो आपको फॉर्मर रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी था, उन्हीं के चेयरमैनशिप के अंडर में एफआरबीएम रिव्यू कमिटी को क्या है गठित किया गया था। अगर बात करते हैं कि अदर मेंबर ऑफ द कमिटी का बात करते हैं जिसमें कौन इंक्लूडेड थे, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर जो कि उर्जित पटेल थे वो भी एक मेंबर थे, और क्या था कि फाइनेंस सेक्रेटरी अरविंद सुब्रमण्यन थे, और भी बहुत सारे क्या है इसके मेंबर थे। एक कमिटी ने क्या है ना रिपोर्ट सबमिट किया था, कितना 2017 में इस कमिटी ने क्या है रिपोर्ट सबमिट की थी। अगर हम इस कमिटी का ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इस कमिटी का है कि इसको जो भी एफआरबीएम जो एक्ट था उसको क्या कंप्रेसिवली क्या है इसको रिव्यू करना, और जो भी करंट चेंज हो उसको करना, हिस्टोरिक आउटकम हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, इस सब को क्या करना रिव्यू करना, गिव अ फ्यूचर फिजिकल फ्रेमवर्क, कहने का मतलब कंट्री के लिए एक पार्टिकुलर रोड मैप, जैसे कंट्री का जो भी डेवलपमेंट करना था एक पार्टिकुलर रोड मैप पे ही करना है, हमको इस साल फिजिकल डेफिसिट कितना करना है, क्या इसमें रिड्यूस करना है, क्या इंक्रीज करना, तो सब चीज का रोड मैप होता है। तो वो एक तरीके से पार्टिकुलर रोड मैप क्या है ना और फ्रेमवर्क क्या है ना फिजिकल पॉलिसी के लिए क्या है वो प्रोवाइड करना। बाद में क्या हुआ कि जो कुछ टर्म जो है उसको 14th फाइनेंस कमीशन जो था उसमें क्या किया गया कि रिकमेंड किया गया, 14th फाइनेंस कमीशन में क्या है उसको एक तरीके से 14th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बाद में इस कमिटी को क्या है एक तरीके से उसमें रिव्यू किया गया। अब हम बात करते हैं कि एनके सिन कमिटी रिकमेंडेशन क्या था, एनके सिन कमिटी रिकमेंडेशन क्या था, मतलब इस कमिटी ने क्या रिकमेंड किया, क्या सुझाव दिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बहुत सारे कहना सुझाव दिए हैं और आपके पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ए वाला जो है आपको एनके सिन कमिटी रिकमेंडेशन स्पेशली इसको मैंशन किया गया है। और दोस्तों मैं तो एक बात भूल ही गया, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए बस। हाँ, अब बात करते हैं कि जो कमिटी जो है ये रिपोर्ट सबमिट की जनवरी 2020 में, और इसी साल अप्रैल में इस क्या है इसको क्या है एक तरीके से लाया गया पब्लिकली क्या है इसको अप्रैल 2020 में क्या है लाया गया। अब हम बात करते हैं कि इसने एक प्रपोज्ड किया कि जो एफआरबीएम एक्ट जो 2003 है जो कि बहुत पुराना हो गया है, और जब बहुत पुराना हो गया है तो इसके जगह पर डेब्ट मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2017 से इसको रिप्लेस कर दिया जाना। देखो चीज़ें जो पुरानी हो जाती है वो नया से क्या है रिप्लेस हो जाती है। अगर बिल का अगर मान लीजिए कोई एक तरीके से रिडंडेंट के जैसा काम करता है, जिसका कोई काम नहीं है या अच्छा से काम नहीं करा, तो उसको रिप्लेस कर देना ही जरूरी है। तो वही हुआ कि एफआरबीएम एक्ट 2003 को रिप्लेस कर दिया गया डेब्ट मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2017 से। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जो इसका डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना इसमें क्या है रिकमेंड किया गया था। वो रहा कि डेब्ट मीन्स क्या होता है कर्ज, डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए 38.7% क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए। ये सब डेटा जो है ना एकदम खून में घुसा लीजिए, यही सब डेटा पूछेगा कि जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कितना 38.7% होना चाहिए, 20% क्या है ना स्टेट गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए,
और उसके बाद कहना एक किसके लिए फिजिकल ईयर 2022 से 23 के लिए बता रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 38.7% और स्टेट गवर्नमेंट का 20%। अगर हम फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा के बारे में हम बात करते हैं, फिजिकल डेफिसिट के बारे में, तो ये आपको 2022 से 23 के लिए बताया गया है कि फिजिकल डेफिसिट जो है 2.5% जीडीपी का 2.5% होना चाहिए फिजिकल डेफिसिट, जो कि 2.5% बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। एक कमिटी ने क्या है ना रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि ग्लाइड पाथ को क्या है ना ये फॉलो करे। कहने का मतलब है एक स्टेडली प्रोग्रेस, कहने का मतलब है एकदम कंटिन्यूअस क्या है एक तरीके से प्रोग्रेस करे। कब तक? 2023 तक क्या है ना कंटिन्यूअस क्या करे ये प्रोग्रेस करे, जैसे इकोनॉमी क्या है ना और बेहतर क्या है ना बन सके। अब पता है फिजिकल काउंसिल के बारे में कि फिजिकल काउंसिल को भी क्या है ना एक गठित करना चाहिए, फिजिकल काउंसिल क्या है एक गठित करना चाहिए। इसने क्या ना रिकमेंड किया कि जो एक तरीके से ऑटोनोमस फिजिकल काउंसिल क्या है ना होना चाहिए, जिसको क्या है ना इस्टेब्लिशमेंट किया जाए, जिसका रोल क्या होगा कि पहला रोल है कि प्रिपेयर मल्टी ईयर फिजिकल फोरकास्ट, मतलब जो भी फोरकास्ट मतलब क्या होता है कि आने वाला जो भी हमको क्या है एक तरीके से जो फ्यूचर प्लानिंग जो होता है उसको फोरकास्ट के नाम से जानते हैं, तो जो भी फिजिकल फोरकास्ट हो उसको क्या है मल्टी ईयर क्या उसको प्रिपेयर करना है। इम्प्रूव फिजिकल डेटा क्वालिटी को क्या है इम्प्रूव करना है। क्या सजेस्ट किया कि जो फिजिकल स्ट्रेटजी है उसमें क्या है चेंज हो, जो और क्या है ना गवर्नमेंट का जो फिजिकल मैटर जो है ना उस पर क्या है ना ये एडवाइस दे। अब हम बात करते हैं कि जो कमिटी जो है ना एक ने रिकमेंड की है कि जो गवर्नमेंट कुड डेविएट फ्रॉम द टारगेट, मतलब जो भी टारगेट था वो गवर्नमेंट क्या है वो डेविएट की है फॉलोइंग सिनारियो। देखिए कुछ सिनारियो के बारे में डिस्कस किया गया है कि इस स्टेप पे गवर्नमेंट जो है अपने टारगेट से क्या किया डेविएट किया। जैसे पहला जैसे नेशनल क्लाइमिटी हो गया, वार हो गया, कंसिडरेशन इन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी का बात करते हैं, एग्रीकल्चर जब मान लीजिए कोलैप्स कर गया अफेक्टिंग इनकम एंड आउटपुट, कहने का मतलब है कि अगर एग्रीकल्चर क्रैप्स कर जाएगा तो किसको इनकम करने वाले को आउटपुट वाले को भी क्या करेगा इफेक्ट करेगा। सेकंड है कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म क्या है एक तरीके से बात करता है स्ट्रक्चर रिफॉर्म के बारे में कि जो इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर रिफॉर्म जो है जो कि एक तरीके से फिजिकल इम्प्लीकेशन के लिए जरूरी है। उसके बाद क्या है इसने बताया कि जो डिक्लाइन इन क्या आउटपुट ग्रोथ एटलीस्ट कितना है 3% बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 4 क्वार्टर, मतलब जो प्रीवियस जो 4 क्वार्टर है उससे क्या है एवरेज क्या है 3% क्या है ना इसका आउटपुट क्या है रियल आउटपुट ग्रोथ क्या है 3% से भी कम क्या है एटलीस्ट ये डिक्लाइन हुआ है। अगर हम बात करते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन जो थे 15th फाइनेंस कमीशन जो है उसने क्या है ना रिकमेंड किया कि ईच स्टेट जो प्रत्येक स्टेट जो है ऑन दियर ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ फिजिकल हेल्थ एंड प्रूडेंस, कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्टेट क्या है एक तरीके से अपने रिकॉर्ड को ट्रैक करे फिजिकल हेल्थ और प्रूडेंस से रिलेटेड जो भी बातें हैं उसको ट्रैक करे। अगर हम बात करते हैं कि जो सेंटर जो है उसको क्या है शुड बोरो फ्रॉम द RBI बैंक ऑफ इंडिया, कहने का मतलब सेंटर RBI से पैसा तभी निकाल सकती है सिर्फ और सिर्फ इट हैज अ मीट अ टेम्पोररी शॉर्टफॉल इन रेसिपिएंट, कहने का मतलब है अगर टेम्पोररी शॉर्टफॉल अगर रेसिपिएंट में अगर टेम्पोररी शॉर्टफॉल है तब क्या है ना वो क्या कर सकती है बोरो कर सकती है। RBI सब्सक्राइब्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कहने का मतलब है कि RBI जो है वो एक तरीके से सब्सक्राइब करते हैं किसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी को टू फंड एनी डेविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड टारगेट, जो भी टारगेट से अगर मान लीजिए डेविएट हो रहा है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या है RBI सब्सक्राइब करती है। RBI बाई गवर्नमेंट सेक्रेटरी फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, RBI क्या करती है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है उसको क्या कर सकती है सेकेंडरी मार्केट से क्या करती है बाई कर सकती है। अगर कंपेटिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का कंपेटिबिलिटी का बारे में बात करें तो जो कमिटी का जो रिकमेंडेशन है बोथ किसमें मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी पे उसने मस्ट इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कहने का मतलब है कि इस कमिटी का रिकमेंडेशन है कि जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी जो है वो एक तरीके से मैक्रो इकोनॉमिकली स्टेबल हो और जिसके कारण क्या है ना ग्रोथ जो है एक कम्प्लीमेंट्री क्या है ना मैनर में उसको हो सके। अगर बात करते हैं टू दिस एंड इन्फ्लेशन टारगेटिंग रिजीम एंड फिजिकल रूल्स हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, कहने का मतलब है जो इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है और जो फिजिकल रूल्स है दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें और जिसके कारण क्या है ना इन्फ्लेशन जो है वो हमारा ज़्यादा कंट्री में ना हो सके। कहने का मतलब 4 से लेकर 6 से
हमारा मैक्सिमम और टू से हमारा क्या मिनिमम, और जो भी कहना गवर्नमेंट का जो एक तरीके से एफआरबीएम एक्ट में जो भी कमियां जो थी उसको सुधारने के लिए एनकेस सिंह कमेटी को कहना गठन किया गया था। तो ये जो दो टॉपिक जो है हम आपको समझाने का कोशिश किए हैं, जो कि आपको एग्जाम में कहना बिल्कुल कहना मेंशन किया गया था। नेक्स्ट वीडियो फिर मैं कहना टॉपिक पे लेकर आऊंगा जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म से रिलेटेड होगा। आप लोग बताइएगा अगर वीडियो चाहिए तो इकोनॉमिक रिफॉर्म पे कहना मैं वीडियो लेकर आऊंगा, अगर नहीं चाहिए तो फिर कहना नहीं लेकर आऊंगा। तो आप लोग जैसा भी हो आप लोग बताइएगा और फिर हम क्या है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और अच्छे से तैयारी कीजिए। अब तो एग्जाम क्या है ना बहुत ही पास है, तो खुद भी तैयारी कीजिए और प्रैक्टिस क्या है ना ज्यादा करने का कोशिश कीजिए क्वेश्चन का। और जो भी मेरा एमसीक्यू का सीरीज जो है, जो आपको क्या है वन से लेकर क्या है ना जो भी जितना भी एमसीक्यू करवाए हैं एक बार आप पढ़ लिए हैं, एमसीक्यू को एक बार क्या है ना लगा डालिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ना क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।